आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्रेक द चेन अंतर्गत दो आदेश निकाले हैं। एक आदेश 4 तारीख को निकला था और एक 5 तारीख को निकला है। ये आदेश निकालने के पीछे गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि कोरोना की जो बढ़ती हुई मरीजों की संख्या है, इसको कहीं तो भी ब्रेक लगाया जाए। औरंगाबाद जिले में हर दिन लगभग 1400 से 1500 तक मरीज आ रहे। अभी अगर हम एक्टिव पेशेंट्स की संख्या देखें तो एक्टिव पेशेंट्स आर मोर देन 15,000। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो दो आदेश निकाले, ये आदेश राज्य के माननीय मुख्य सचिव इनके सिग्नेचर से निकले हैं। मैं इसमें ये आदेश के जरिए मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधा दी, इसका बेसिक उद्देश्य है कि आम नागरिकों को इससे सुविधा हो जाए। कोरोना की चेन ब्रेक करने का मुद्दा मद्देनजर रखते हुए लोगों को, आम नागरिकों को सुविधा मिल जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो चीज़ें शुरू रहेंगी उसमें बेसिकली अत्यावश्यक सुविधा, इसमें ऑल हॉस्पिटल्स, देन मेडिसिन शॉप्स, और जो मेडिसिन प्रिपेयर करने वाले उद्योग है वो शुरू रहेंगे। इसमें पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी भी आ गई जो टेस्टिंग का काम करती है, देन किराना माल की दुकानें, भाजीपाला की सभी दुकानें, उसमें मंडी भी आ गई, दूध डेयरी, बेकरी और खाद्य की दुकानें। इसके बाद में सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, जिसमें है रेलवे, टैक्सी, ऑटो एंड सार्वजनिक बसेस, ST महामंडल की बसेस एंड प्राइवेट बसेस। देन जो व्यवस्था गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है, IC व्यवस्था जो ट्रकों से चलता है, खेती का सीजन नज़दीक आ रहा है इसलिए खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित सभी व्यवस्थाएँ, जिसमें फर्टिलाइजर शॉप, पेस्टिसाइड शॉप, सीड की दुकानें, जो ऑल प्रसिद्धि माध्यम है, जैसे मीडिया हाउसेस, ऑल मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, एवरीथिंग, और जो आपत्ति के संबंध में जो है IC व्यवस्था है। इसके बाद में मैंने जैसा बोला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, जिसमें ऑटो रिक्शा, रिक्शा ड्राइवर +2, ऑल विथ मास्क, टैक्सी है तो जितने की उसको परमिशन है, पासिंग है, उससे 50% एंड टैक्सी वाला, बस है तो विथ ऑल सीटिंग कैपेसिटी, ओनली सीटिंग, नो स्टैंडिंग, ये मुद्दा मेरा रह गया था, नो स्टैंडिंग, नो वेयर नो स्टैंडिंग, रेलवे में भी स्टैंडिंग अलाउड नहीं है, ओनली सीटिंग। उसके बाद में और वो सभी जो लोग रहेंगे, दे विल बी विथ मास्क, अगर कोई इसका उल्लंघन करता तो एवरीवेयर देर इज अ प्रोविजन ऑफ फाइन, 500 रुपीज, अगर बार बार ये करेगा तो इसका फाइन का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। फिर ऑफिसेस, ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस, बैंकिंग ऑफिसेस, देन इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसेस, टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसेस, इंश्योरेंस ऑफिसेस, मेडिक्लेम ऑफिसेस, फिर से मैंने बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है उनके ऑफिसेस, ये शुरू रहेंगे। उसमें भी जो लोग रहेंगे उन्होंने मास्क पहनना, कोविड प्रोटोकॉल करना, ये मैंडेटरी है। इसके बाद में प्राइवेट जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि यहाँ से मुंबई बस चलती है, यहाँ से पुणे बस चलती, ये भी विथ RTO परमिशन, जितने सीट के उतने सीट के साथ ऑपरेट कर सकती है। ये ऑपरेट करेगी सोमवार से शुक्रवार, सोमवार सुबह 7 बजे, रात को 8 बजे तक, और फिर 2 दिन जो हमारा फुल लॉकडाउन है, बोले तो फुल बंद रहेगा, इसमें सैटरडे एंड संडे तो वो बंद रहेगी, फिर मंडे से शुरू हो जाएगी। और इसमें उनके जो ऑफिसेस है, बुकिंग ऑफिसेस, वो भी शुरू रहेंगे। उसके बाद में जो मनोरंजन से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट, उसमें सिनेमा हॉल विल बी क्लोज, नाट्यगृह, देन मनोरंजन पार्क, आर्केड्स, वीडियो गेम्स, क्लब, जलतरण, स्विमिंग टैंक्स, ऑल जिमनेशियम्स, प्राइवेट, एवरीथिंग, क्रीड़ा संकुल, ये बंद रहेगा। और इसमें से जो काम करने वाले लोग हैं बंद रहे, लेकिन वो जो इलिजिबल है वैक्सीनेशन को, 45 एंड अबव, दे विल डू द वैक्सीनेशन, और जो एलिजिबल नहीं है, उनका उम्र कम है, तो दे विल डू RT-PCR टेस्टिंग, और अपना प्रमाण पत्र साथ में रखेंगे। जब ये सुविधा शुरू हो जाएगी तो उसके ज़रिए हमको उनके साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद में लग्न समारंभ, ये भी शुरू रहेगा विथ 50 लोग। इसके लिए लोकल बॉडी का उसका अप्रूवल रहेगा, नाम के साथ अर्जी करनी पड़ेगी, कौन आ रहा है, कौन से गेस्ट आ रहे हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है।